दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां अब तेज होती नजर आ रही है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने बैठक ली है। उत्तर भारत के राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी भी बैठक में शामिल है। राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजया राहटकर, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी बैठक में शामिल है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी दिल्ली की बैठक में शामिल है। देखिए, राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति पर मंथन चल रहा है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो रही है। मुख्य एजेंडा चुनाव कैसे जीता जाए, इस पर ये चर्चा हो रही है। और हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर लगातार बनी हुई है। अदिति, जानना चाहेंगे कि जीत के मंत्र को लेकर जो बैठक चल रही है, कई नाम इसमें शामिल है, किस तरह से देख रहे हैं इस बैठक को? भारतीय जनता पार्टी का होमवर्क, भारतीय जनता पार्टी की संगठन को मजबूती 12 महीने 24 से चलती है, लेकिन अब तो बात 2024 के चुनाव की है। ऐसे में 26 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, और देखिए नॉर्थ जोन, अलग अलग जोन से इसको बांट दिया गया है पूरे देश को 2024 के, जिसमें जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति की है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपनी जिम्मेदारी संभाल सके, क्योंकि एक एक ईंट बन के मकान बनता है। ठीक उसी तरह एक एक कार्यकर्ता का हाथ अगर एक दूसरे से मिल जाए, तभी जाकर 2024 में हुंकार भरी जीत हो पाएगी। आज इसी के मंथन के लिए तमाम राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, पदाधिकारी, राष्ट्र पदाधिकारी, जिसमें वसुंधरा राजे भी, तमाम लोग जेपी नड्डा की अध्यक्षता में, बीएल संतोष की अध्यक्षता में पहुंचे हैं। और हर एक राज्य से जरूरी है, क्योंकि हर एक राज्य से 2024 की कई सीटें आती हैं, खासतौर से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, यहाँ से काफी सारी सीटें जो हैं 2024 से आती हैं। राज्य जीतेंगे, 2024 भी जीतेंगे, उस पर एक एक सीट पर काम करना बेहद महत्वपूर्ण। संगठन को सक्रिय बनाना, संगठन में नए तरीके से ऊर्जा भरना, ये काम लगातार संगठन के दिग्गज नेता कर रहे हैं। और आज की बैठक में भी एक दिशा दिलाना, क्योंकि बार बार जरूरी होता है कि हम बैठक करके मंथन करें, अपनी कमियों के बारे में जानें, अपनी जो हमारी अच्छी मजबूत चीजें हैं उनको साझा करें, उनको और मजबूत बनाएं, और जो कमियां हैं उनकी भरपाई करें। ये तमाम चर्चाओं के लिए, खासतौर से चुनावी राज्यों का प्रेजेंटेशन और आगे रणनीति क्या होगी, काम कैसे करना होगा, सब कुछ भूल के दोबारा नई तरीके से काम करना है, पुरानी जो हमारी बेहतर रणनीति है उसको पन्ना प्रमुख को लेकर किस तरीके से जमीन के कार्यकर्ताओं को सक्रिय बनाना है, घर घर तक पहुंचना है, एक एक व्यक्ति तक पहुंचना है, और आखिरकार जो पन्ना प्रमुख वाली स्ट्रैटेजी है जिसमें आप एक एक व्यक्ति को बूथ तक लेकर आते हैं, कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार के कामों को घर घर तक लेकर जाते हैं, लाभार्थियों के मुंह से सुनाते हैं दूसरे लोगों को कि किस तरीके से सरकार ने गरीब कल्याण का काम किया, ये तमाम बातें यहाँ पर आज कही गई हैं। और एक नई ऊर्जा भरी है, जिससे कि प्रदेश अध्यक्ष जब वापस लौटे तो वो तमाम जो ऊर्जा है जो अपने कार्यकर्ता को दें, और कार्यकर्ता फिर जमीन पर जाकर कमल का परचम लहराए, नरेंद्र मोदी की सरकार का परचम लहराए, और दोबारा सरकार ने मजबूती से काम करें। और बिल्कुल अदिति, देखना होगा कि आखिर क्या कुछ वो रणनीति होती है जिसके साथ में बैठक की समाप्ति होती है। आपका शुक्रिया अदिति हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।